लोग, ये रही अपनी धन्नु और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई है, हाथ पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट लग रही है और यहाँ मीटर स्क्रीन पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ पसंद आ रही है। और यहाँ जेब्रोनी की हेडफोन ले रहा है भाई, रख दो यार, क्यों दूसरे का सामान छू छा कर। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस, दिस इज कौशल गुप्ता, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई लोग, आज है संडे और संडे इज हॉलीडे, सो आज काफी धमाल मचाने वाले हैं हम लोग। और आज का सबसे पहला काम है बाल कटाना, जो कि मेरा बाल काफी बड़ा हो गया है और बियर्ड भी काफी बड़ी हो गई है, जो कि फेस के ऊपर बिल्कुल जच नहीं रही है। सो उसके लिए हम लोग जाने वाले बगोड़िया चौकड़ी और साथ में धनंजय भी जा रहा है। सो आज का नाश्ते में हम लोगों का है स्प्राउट और वो खाते हैं, फिर निकलेंगे बगोड़िया चौकड़ी के लिए। सो वीडियो का आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, जो भी हम लोग आज पूरे दिन करने वाले हैं इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग, तभी निकलते हैं बगोड़िया चौकड़ी के लिए। सो गाइस, हम लोग हमेशा की तरह परफेक्ट कट्स में पहुंच गए और अंदर में अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अंदर से हम लोग आ गए हैं बाहर, अभी थोड़ी देर इधर ही बैठते हैं। वैसे अभी रोड पे तो काम वाम चल रही है, इधर नाश्ता वस्ता करते हैं यहाँ पर, फिर शायद एक घंटे बाद, एक घंटे तक खाली हो जाए तो फिर बाल कटाते हैं। गाइज, हम लोग की कटिंग हो गई है और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो अभी हम लोगों का प्लान है डी मार्ट जाने का, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ सामान लेने हैं, तो इस वजह से डी मार्ट जाना है, तो अभी निकलते हैं डी मार्ट के लिए। A few moments later. तो गाइज, अब हम लोग आ गए हुए हैं डी मार्ट और अभी चलते हैं अंदर की साइड और देखते हैं क्या क्या लेना है, सामान लेते हैं उसमें से कुछ चीज़। भाई लोग, ऊपर आते ही काफ़ी अच्छा फ्लावर सबसे पहले देखने को मिला, जो कि कपल्स के लिए 49 रुपीज़ सिंगल रोज, MRP 65 है। बाकी धनंजय आगे भागे जा रहा है, खाली छोड़ी पटाता है, बड़ा हरामी हो। कैसे गाइज, हम लोगों को लेनी है स्लीपर, सामने रही स्लीपर की बहुत सारी, ये धनंजय लड़का। सो यहाँ से हम लोगों को लेनी है स्लीपर। भाई ये किसने बॉक्स रखी है, कौन है ऐसा होशियार लड़का। और ये स्लीपर है 1190। ओके, वैसे गाइस डी मार्ट में उतनी भीड़ नहीं दिख रही है संडे, फिर भी शायद शाम को भीड़ रहती हो, तो देखते हैं। वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ पसंद आ रही है। और यहाँ जेब्रोनी की हेडफोन ले रहा है भाई, रख दो यार, क्यों दूसरे का सामान छू छा करते हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, लेनी हो तो छुओ, टच करो देखने के। और यहाँ पूरा घर के लिए तौलिया, बेडशीट, ब्लैंकेट, सारी चीज़ है। सो भाई लोग, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं घर पे आया और घर पे आने में हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा काम था हम लोगों को, जिसको निपटाने में हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। सो घर पे आके नहा धोके कपड़े मैंने चेंज कर लिए और अभी हो गई है शाम, तो शाम को सोच रहा मैं एक बाइक धो दूँ, क्योंकि बाइक पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट और मिट्टी लग चुकी है। वैसे बाइक की डेली काम रहती है, तो उसको साफ रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं दिखाता हूँ बाइक की क्या हालत हो चुकी है। भाई लोग, ये रही अपनी धन्नू और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई है, हाथ पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट लग रही है और यहाँ मीटर स्क्रीन पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। सो पूरी बाइक गंदी हो गई है। वैसे भाई लोग, बताओ तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है बहुत लोगों को, जो कि काफ़ी अच्छी है अपनी यूट्यूब चैनल की नेम प्लस में इंस्टा की भी पेज की नेम है। सो बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, तो इसको धोते हैं। इसके लिए मैंने बाल्टी लेकर आया अंदर से और नल से पानी चालू करेंगे, उसके बाद अपनी धन्नू को साफ करते हैं। भाई लोग, अभी हम लोग की बाइक हो गई एकदम नीट एंड क्लीन और अभी इसकी पानी सूखी नहीं है, तो अभी थोड़ी गिली गिली है, तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर सूखने के लिए और फिर सूखने के बाद हम लोग कर देंगे इसको घर के बाहर
खड़ा और अभी हो गई है काफ़ी ज़्यादा शाम, सो थोड़े बहुत लोग खेल रहे हैं तो हम लोग भी चलते हैं टाइम पास करते हैं इनके साथ। ये क्या बात करता है यार। सो भाई लोग अभी शाम के बज गए 7 और आज जो भी पूरी दिन हमने किया वो इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है। सबसे पहले हम लोग गए थे बाल कटाने, उसके बाद गए डीमार्ट में। डीमार्ट में ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया हमने, बस एक स्लीपर ली और उसके बाद गए थे स्टडी टेबल लेने, जो कि अभी तक मैंने आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखाया और अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन सी स्टडी टेबल मैंने ली और क्यों ली। और मैं अपना छोटा सा सेटअप भी दिखाने वाला हूँ इस छोटे से रूम का। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टडी टेबल से। भाई लोग ये रही वो स्टडी टेबल जो मैंने आज ली और इसके ऊपर मैंने अपनी लैपटॉप, फोन और ये स्टैंड रख दिए, जो कि स्लोमो में जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ इसी स्टैंड का यूज करता हूँ। और मैंने स्टडी टेबल क्यों ली, क्योंकि गाइस मेरा जो छोटा वाला स्टडी टेबल था वो टूट चुका है, अभी ये कबर्ड के सपोर्ट पर है इस वजह से वो खड़ा है। अब उसके ऊपर कॉपी और हमारी बैग है और कुछ ये डंबल रही हमारे रूम में पड़ी हुई है जो कि बहुत कम यूज होती है। और ये कुछ मेरा छोटा सा रूम रहा जो कि इसमें कुछ थॉट्स भी है, कुछ मोटिवेशनल डेली मोटिवेशनल थॉट्स हैं जो कि जब मन करता है पढ़ता हूँ। और वैसे ये फ्रेम आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, जब मैंने ये फ्रेम बनाया था तो उसकी ब्लॉग भी बनाई थी। सो गाइज ये रही हमारी छोटी सी रूम जो कि ओवरऑल ऐसी दिखती है। और ये रही 100K जो मेरे इंस्टा पे 100K हुई थी, सो जब हमने सेलिब्रेट किया था उसके लिए। और मैंने यहाँ पर अपना इंस्टा का फोटो भी लगाया हुआ है और यहाँ पे मैं सोता हूँ। ये रही हमारी बेड। सो ओवरऑल कुछ ऐसी दिखती है हमारी रूम, और सुबह सुबह जैसा कि मैं पूजा भी करता हूँ सो यहाँ पर भगवान की फोटो भी है। सो भाई लोग ये थी हमारी छोटी सी रूम की छोटी सी सेटअप। सो अभी हो गई है खाने का टाइम, तभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग काफी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक द हिडन आपको सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो सब्सक्राइब कर दे ऐसी डेली ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।